अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइनर। जी हाँ, देख रहे होंगे J6 प्लस, जिसकी मैं करने लगा हूँ आज अनबॉक्सिंग। सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस की, जिसका है ड्यूल कैमरा। पाकिस्तान में मॉडल ये लॉन्च हो चुका है, आज मैं करूँगा इसकी अनबॉक्सिंग। इसका कलर है जी ब्लैक कलर, ये है ब्लैक कलर का। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इससे योगा मिलिटेशन जो वीडियो होगी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस का बॉक्स, J6 प्लस 32 GB। दूसरा भी देख सकते हैं इसके बैक पर सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस 32 GB, इन्फिनिटी डिस्प्ले, ड्यूल कैमरा, फिंगरप्रिंट। आगे कुछ इसके फीचर दिए गए हैं, 13 MP प्लस 5 MP रियर कैमरा, 8 MP जो इसका दिया गया है फ्रंट कैमरा, इसकी 32 GB मेमोरी और 3 GB रैम है। हम कर लेते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स। दोस्तों बॉक्स ओपन करने पे हमको सबसे पहले हमारा फ्रंट पे ही मिलता है हमें हमारा फ़ोन, जिस पे एक लेमिनेशन लगा हुआ है। हम इसको एक साइड पर रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसमें एक्सेसरी क्या क्या आ रही है। तो दोस्तों बॉक्स ओपन करने पर हमें मिलता है एक सिलिकॉन कवर, एक हमें मिलती है यूज़र मैनुअल गाइड बुक, जिससे हम इसके बारे में जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर देंगे जो हम अक्सर नहीं पढ़ते, इग्नोर कर देते हैं। हम आ जाते हैं आगे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक सिलिकॉन कवर जो आप देख सकते हैं, ये आप मोबाइल पे लगाएंगे तो मोबाइल आपका स्क्रैच से बच जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमको मिलती है एक डाटा केबल। जी हाँ, ये सिंपल डाटा केबल दी गई है, ये सी टाइप केबल नहीं है। आगे हम देख लेते हैं, हमें मिलती है एक हैंड फ्री जो कि बिना वूफर के, बूफर वाली हैंड फ्री नहीं है, नॉर्मल सी हैंड फ्री है। आगे हम देख लेते हैं, हमें मिलता है एक चार्जर। जी हाँ, ये चार्जर 1 एम्पीयर का ये चार्जर है जो इसमें दिया गया है सैमसंग J6 प्लस में। आगे हम देख लेते हैं, हमको एक मिलता है सिम इजेक्टर टूल, जिससे हम इसकी सिम बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ। एक्सेसरी को रख लेते हैं एक साइड पर। फ़ोन के आने की तरफ आने के बाद हम इससे रन मशीन जो इस पर लगी हुई वो उतार लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लुक, वेरी नाइस, ऑसम। तो फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस। जब तो हमारा फ़ोन हो रहा है, मैं इसकी फ़िज़िकल लुक की बात कर लेता हूँ, इसकी साइड से बैक से कैसी की लुक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी एक साइड पे दिया गया है वॉल्यूम बटन अप, वॉल्यूम बटन डाउन। नीचे चेक कर लेते हैं, इसमें सिम ट्रे का ऑप्शन दिया गया है या इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन होगा। नीचे आ जाते हैं थोड़ा, इसमें आपको यहाँ पर सिम और एट अ टाइम एक मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है। मैं सिम ट्रे दोनों को बाय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी एक साइड पर आप डालेंगे नैनो सिम, तो दूसरी ट्रे है आप उसमें एट अ टाइम एक सिम और एक कार्ड डाल सकते हैं। यानी कि आप इसमें एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और एट अ टाइम एक सिम भी डाल सकते हैं, यानी दो सिमें और एक कार्ड। ये तो दोस्तों हम इसके नीचे वाली साइड पे देखते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगी एक माइक्रो यूएसबी केबल लगाने वाली पोर्ट, जिसे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा माइक, साथ में मिलेगा एक हैंड फ्री वाला ऑप्शन। तो हम आ जाते हैं इसकी अब दूसरी साइड पर, वहाँ पर आपको इसको मिलेगा ऊपर, सबसे ऊपर फ्रंट में ही मिलेगा जो है कि इसका स्पीकर। इसकी आवाज़ भी मैं आपको आगे जाकर इसकी चेक कराऊंगा। साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा एक पावर बटन, जी हाँ ये पावर बटन भी दिया गया है और इस पर ही फिंगरप्रिंट दे दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस के फिंगरप्रिंट जो दिया गया वो पावर बटन वाली ही जगह पर है। अब हम करते हैं इसकी बैक लुक की बात। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी बैक लुक बिल्कुल ही ग्लॉसी बॉडी ड्यूल कैमरे के साथ, आपको इसकी बैक नज़र आ रही होगी विद LED 4 LED फ्लैश लाइट, ड्यूल कैमरा, मेटल बॉडी दी गई है इसकी। प्रीमियम डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन अवेलेबल हो रहा है। इसमें जो कलर आ रहा है वो रेड, ग्रे, ब्लैक कलर अवेलेबल आ रहा है। इसकी नेचुरल ग्रिप है, यानी कि आप ये पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट ऑन हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके कंप्लीट सेटअप की तरफ। हम फ़ोन को ऑन करते हैं, इसका सेटअप करते हैं, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर दिए गए हैं वो आपको बताते हैं। हमारा फ़ोन हो चुका है मुकम्मल ऑन। आप इसके डिस्प्ले की फ़र्स्ट लुक, फर्स्ट थीम दे सकते हैं इसके डिस्प्ले का, क्रीमी सी लुक देता है, वेरी नाइस फ़ोन। तो आप देख सकते हैं इसकी, हम चले जाते हैं इसकी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में, तो आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर सैमसंग J610F भी इसको कहते हैं। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, यानी कि 9.4 GB इसकी मेमोरी जो कि यूज़ हो रही है, जो अवेलेबल मेमोरी है वो 32 GB अवेलेबल है। हम चल देते हैं इसकी रैम की तरफ। तो दोस्तों इसकी 3 GB रैम है, 1 GB रैम यूज़ हो रही है और इसकी जो फ्री रैम है वो दी गई है 1.7 GB अवेलेबल है, 1 GB इसकी सिस्टम ऐप्स में जो कि यूज़ हो रही है। हम अब करते हैं इसके मज़ीद फीचर की बात। अब हम आ जाते हैं इसके जो कि बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया गया है।
हम आपके यहाँ पे देखें इसमें फेस अनलॉक भी दिया गया, आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है, साथ में मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। हम फिंगरप्रिंट स्कैनर को एडजस्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू। हम पैटर्न लॉक लगा लेते हैं कोई भी। पैटर्न लॉक लगाने के बाद तो ये आपसे कह रहा है अपना पैटर्न फिंगर वाला सिलेक्ट करें, जो कि इसके एक साइड पे दिया गया, आपको ये नज़र आ रहा होगा। मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक। तो बार बार सिलेक्ट करने से तो दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर ओके हो गया है, डन। अब मैं टच स्क्रीन लगाऊँ इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे वर्क करता है। तो ये देखें, तो मैं डिस्प्ले ऑफ पे ही इसका, ये देखें मैं ऑफ़ करता हूँ, तो डिस्प्ले ऑफ पे ही इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क कर रहा है। ये देखें मैं ऑफ़ करूँगा, पावर बटन पर मैं ऐसे ही क्लिक करूँगा तो ये ऑन कर देगा। इतना फास्ट नहीं है बरेड, ये नॉर्मली वर्क कर रहा है बरेड। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही आउट क्लास दिया गया है। अब हम करेंगे इसके कैमरे की बात, इसमें कैमरे का क्या क्या फीचर है, क्या क्या इसमें कैमरे में दिया गया है। तो दोस्तों इसका बैक कैमरा वो दिया गया है ड्यूल दिया गया है, एक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का 1.9 अपर्चर के साथ, एक कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का। तो आपको उसके कैमरे की मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ कि इसके कैमरे में क्या क्या कैसा रिजल्ट है, कैसी तस्वीरें हैं। मैं कैमरा यहाँ से कर लेता हूँ ऑन। कैमरा ऑन करने के बाद आप इसका कुछ रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से कैप्चर कर लेता हूँ तस्वीर, तो आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर का रिजल्ट बहुत ही आउट क्लास तस्वीर आई है इसकी। मैं कुछ और सैंपल ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अब हम करेंगे इसके फ्रंट कैमरे की बात। तो दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा जो कि दिया गया है 8 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरे से मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ, ये एक मैंने कैप्चर की तस्वीर, तो आप देख सकते हैं इसके फ्रंट कैमरे का रिजल्ट। मैं इसके भी कुछ सैंपल लेके आपको दिखाता हूँ। तो अब हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले की। IPS कैपेसिटिव टच स्क्रीन 16mm कलर, 6.0 इंच इसका डिस्प्ले साइज दिया गया है। इसकी जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन दी गई है 720x1480 दी गई है, और PPI की बात की जाए तो इसकी PPI दी गई है 274 PPI डेंसिटी इसकी दी गई है। मैं इस पर अभी कर लेता हूँ वीडियो प्ले, आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट कुछ वीडियो कैसा आ रहा है। तो मैं कर लेता हूँ यूट्यूब ऑन, तो मैं इस पर कोई भी वीडियो, तो मैं ये बिलफर्जी वाली वीडियो प्ले कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। तो दोस्तों आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन आप जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो कितनी रेजोल्यूशन पे चल रहा है। ये अभी 720 पे इसको प्ले करने लगा हूँ। ये आप, ये वाला फ़ोन आपको 1080 की वीडियो शो नहीं करेगा, ये 720p पे ही आपको वीडियो शो करेगा। आप इसका डिस्प्ले फुल कर सकते हैं, तो आप इसकी डिस्प्ले ग्राफिक्स का रिजल्ट चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपने इसका डिस्प्ले रिजल्ट देख लिया है इसका डिस्प्ले। तो दोस्तों अब हम करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की बात। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर दिया गया है 8.0 ओरियो सॉफ्टवेयर दिया गया है। इसमें जो चिपसेट दी गई है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 425 दी गई है, और सीपीयू की बात करते हैं जो इसमें सीपीयू दिया गया है 1.4 GHz कोटेक्स A53 इसमें दिया गया है। इसका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो वेरी आउट क्लास दिया गया है। हम आ जाते हैं इसके अंदर इंटरनल मेमोरी, इसमें 4GB आएगी रैम और 64GB जो पाकिस्तान में ये अवेलेबल हो रहा है वो बस 3GB और 32GB वाला अवेलेबल हो रहा है। हम आ जाते हैं अब इसके कुछ मजीद फीचर की तरफ। इसमें वाईफाई दी गई है, ब्लूटूथ, GPS, NFC, रेडियो, USB सपोर्ट करता है। सेंसर की बात करते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि इसके साइड पर दिया गया है, गायरो कंपास प्रॉक्सिमिटी इसमें दिया गया है। हम करेंगे बैटरी की बात। इसकी जो बैटरी दी गई है 3300 mAh दी गई है, जो कि बहुत ही आउट क्लास है। ये फास्ट चार्जिंग नहीं है। इसमें जो कलर अवेलेबल है ग्रे ब्लैक रेड, इस टाइप के इसमें कलर अवेलेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली लेटेस्ट आने वाली फ्रेश वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।